हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप इस क्लास के नोट्स चाहते हैं तो अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको क्लासेस के नोट्स मिलते रहेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिएगा आज की क्लास का मैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है द ग्राफ ऑफ पी एक्स आर गिवन इन फॉलोइंग फिगर। पी एक्स का एक ग्राफ दे रखा है फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हर केस में हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरोज बताना है। तो सबसे पहला ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों ये दे रखा है। तो याद रखिए कि जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं उन्हें बताने के लिए हम लोग को क्या करना होता है? ग्राफ को देखना होता है। ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने प्लेसेस पे, कितनी जगह पे कट करा है। जितनी जगह पे एक्स एक्सिस कट होगा उतने ही ग्राफ, उतना ही उस पॉलिनोमियल के क्या होंगे? जीरो होंगे। क्लियर होती है बात? आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो चलिए फर्स्ट में देखते हैं। तो क्या इस ग्राफ ने, ये ग्राफ की लाइन है, क्या इस लाइन ने कहीं पर भी एक्स एक्सिस को कट करा है? एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस को कट करा है, एक्स एक्सिस को नहीं कट करा है। तो जीरो कितना होगा? जीरो इक्वल टू जीरो। ग्राफ डज नॉट कट एक्स एक्सेस एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे ग्राफ ने एक्स एक्सेस को नहीं कट करा है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या कह दिया? ये क्या होगा? जीरो। इसके जीरो होंगे, इसके जो जीरो होंगे वो कितने होंगे? जीरो होंगे। क्लियर होती है बात? आई होप सो आपके क्लियर हो रही होगी बात। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ये है क्वेश्चन का। इसमें बताना भी, ये मेरी एक्स एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस है बेटा? वाई एक्सिस। ये एक्स डैश और ये वाई डैश। और ये रहा अपना ग्राफ। एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट करा है? यहाँ पे देखिए, जब अपने ने इस ग्राफ को बनाया तो ये इस प्लेस पे एक्स एक्सिस को कट करा है, ठीक है? ये प्लेस है एक्स एक्सिस को कट करा है। तो जब एक प्लेस पे कट करा है तो जीरो कितना होगा? वन होगा, ठीक है ना? द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट करा है बेटा? एक जगह पे कट करा है, इसलिए ये क्या होगा? ये हमारा जीरो, इसका कितना होगा? 1 होगा, एक जीरो होगा। आई होप सो आपके क्लियर हो रही होगी। चलिए बोलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है। ये हमारी एक्स एक्सिस है बेटा और ये अपनी वाई एक्सिस है बेटा। देखिएगा ये ग्राफ ये क्या, जब तो आपने ग्राफ को देखा तो आपको समझ में आया कि ग्राफ कितनी जगह कट हुआ है। तो आप कहेंगे कि सर एक तो यहाँ कट हुआ ग्राफ, ठीक है, एक इस पॉइंट पर कट हुआ, दूसरा इस पॉइंट पर कट हुआ, तीसरा इस पॉइंट पर कट हुआ। तो तीन जगह ग्राफ को क्या हो गया? कट हो गया। अगर तीन जगह कट हो गया तो जीरो कितने होंगे? थ्री। ग्राफ कट एक्स एक्सेस, ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट थ्री पॉइंट। ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करा है? थ्री पॉइंट पर कट करा है। तो ये आपको तीनों क्वेश्चन आई होप सो समझ में आ गए होंगे। चलिए फटाफट से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर आगे की ओर। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा इसके फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हमारी एक्स एक्सिस है एक्स डैश, ये हमारी वाई एक्सिस है वाई डैश और वाई एक्स, और ये रहा अपना ग्राफ ये। अब इस ग्राफ को अगर हम चेक करें कितनी जगह कट करा है, तो आप हम तो कहेंगे कि एक ये पॉइंट पे एक्स एक्सिस कट हुआ और एक इस पॉइंट पे कट हुआ। तो जीरो कितने आ गए? टू। ग्राफ
cut x-axis at 2 point. ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करा मेरे प्यारे बच्चों? 2 पॉइंट पे. आई होप सो ये आपके क्लियर हो रहा होगा. कितने पॉइंट पे कट करा है? 2 पॉइंट पे. क्लियर? आगे बढ़े, चलिए फटाफट से आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब देखिएगा, ये अपनी क्या है एक्स वाई एक्सिस, ये अपनी क्या है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई और ये वाई डैश एक्सिस. ये देखिए, अब ये क्या है, यहाँ पे कट हो रहा है, ये अपना ग्राफ है. अब इस ग्राफ को चेक करते हैं कितनी जगह कट हुआ. तो फर्स्ट यहाँ पे, यहाँ पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे. तो 1 2 3 4, जीरो कितने आए बेटा? 4. द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट. अब जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस कट होगा उतने क्या होते हैं? जीरो होते हैं. क्लियर है? तो ये कितने पॉइंट पे कट हो गया? 4 पॉइंट पे. तो जीरो कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों? 4 हो गए. क्लियर? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फटाफट से देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या है, वाई एक्सिस, और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक्स एक्सिस. और ये हमारा क्या गया? ग्राफ. अब बहुत ध्यान से देखिएगा, जितने पॉइंट पे कट होगा उतने उतने हमारे क्या होंगे? उतने हमारे जीरो होंगे जितने पॉइंट पे कट होगा. अब देखिए इसे किस कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो अपन चेक कर लेते हैं. एक्स एक्सिस ये है, एक पॉइंट ये कट हुआ, दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट ये. कट हो रहा है, टच हो रहा है, बात एक ही है. आप कट और टच को मिक्स मत करिएगा, वो सेम बात की ही होती है. ठीक है, तो यहाँ पे जीरो कितने आएंगे बेटा? जीरो आ गए, थ्री, तीन जीरो होंगे इसके पास में. और द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट. ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रखा है मेरे प्यारे बच्चों? 3 पॉइंट पे कट कर रखा है. तो चलिए आज की क्लास में आई थिंक इतना ही. देख लेते हैं आगे कोई क्वेश्चन है कि नहीं है. अगर क्वेश्चन नहीं है तो तो ये अपनी एक्सरसाइज यहाँ पे क्या हो जाती है? कंप्लीट. अब मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में. अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए.